भाई प्राइवेट जेट के नए नए ओनर है प्रतीक जैन। यूट्यूब में पहली बार सेंसेशनल एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने ले लिया एक नया प्राइवेट जेट, प्रतीक जैन। दुआ करो एक दिन ऐसी भी आए कि खुद की ऐसी प्राइवेट जेट हो, 200-250 करोड़ की होगी आराम से। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Hello everybody, I hope you're doing absolutely fine. Or सच में 2020 काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, एंड में एटलीस्ट सरप्राइजेज मिल रहे हैं, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंसेस होने वाले, टू डू लिस्ट जो मेरा है, जो मुझे करना है, वो सब टिक हो रहा है, खुशी मिल रही है। जैसे कि थंबनेल देखा आपने, टाइटल देखा, और आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हो तो आप सभी को पहले से ही पता है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले से ही पता है कि ये क्या वीडियो है बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, मैं प्राइवेट जेट में फर्स्ट टाइम इन लाइफ ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पर, और काफ़ी खुशी हो रही है। ये इनफैक्ट प्राइवेट जेट का टर्मिनल है मुंबई का, मतलब कैसा रहता है, एक मुंबई एयरपोर्ट आपको पता है जो हमेशा मैं बताता था, ठीक है, और बीच में रनवे, इस तरफ है पैसेंजर एयरक्राफ्ट का टर्मिनल, और बस रनवे के इस तरफ है प्राइवेट जेट का टर्मिनल। ये वही टर्मिनल है जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, टाटास, बिरलास, अंबानीज यूजुअली आते हैं टू फ्लाई टू दैट डेस्टिनेशन। अच्छा ये रही मेरी बोर्डिंग पास, ठीक है, अभी फ़्लाइट को एग्जैक्टली टाइम बाकी है आधा घंटा, और बता दूं कि दिस ट्रिप इज़ स्पॉन्सर्ड बाय एंथ्रॉल एविएशन। मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, ये है तपिश भाई, थैंक्स टू हिम कि जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है कि मैं प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये बाहर का व्यू है, बहुत ही छोटा है, मतलब सच में बता रहा हूँ, इतना छोटा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अंदर से अगर बताओगे आप खुद शॉक हो जाओगे कि इतना छोटा। तो बाहर से तो आपने देखा काफ़ी छोटा है ये प्राइवेट जेट का टर्मिनल, अभी अंदर से बता देता हूँ। ये देखो कस्टम्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, सारे ही चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही इमिग्रेशन का काउंटर, एक ही सिक्योरिटी चेक, एक ही कस्टम, मतलब बस इसके बाद डायरेक्ट सीधा रनवे ही है। ये आदित्य बिरला की है, और ये मुकेश भाई की है, ये भी मुकेश अंबानी की। मतलब मुकेश भाई ने बहुत सारी, कितनी है मुकेश भाई की? एसआर, ये एसआर का है। अच्छा, वीआरएल लॉजिस्टिक की है ये। अच्छा, ये हमारा है अनिल अंबानी। अच्छा, अभी अनिल अंबानी की आएगी। अनिल अंबानी रेंट पे देते हैं और मुकेश अंबानी अपनी नहीं देते कोई भी फ्लाइट। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग का रिलायंस का। ओके, ये है वीकेआर, जीवीके का। अच्छा, ये पुणे वाला एविएशन, परफेक्ट, फिर वापस हम लोग का। ओके, सो दिस इज आवर फ्लाइट फॉर टुडे, लीगेसी 650, 13 सीटर की है, और इसी में हम ट्रैवल करने वाले कोलकाता। ओके, थैंक यू। पता है आपको पैसेंजर एयरक्राफ्ट रहती है, जैसे कि ये देखो वो रनवे है और वो पैसेंजर टर्मिनल है पीछे, तो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट रहती है डोमेस्टिक के लिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आना पड़ता है टर्मिनल में, राइट। लेकिन प्राइवेट जेट का ये सही है कि आप 15 मिनट्स पहले भी आ सकते हो। ऑल्दो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया, एक घंटे पहले आ गया, बट ये सही चीज़ है कि आप 15 मिनट पहले भी आ सकते हो, और 2 मिनट का वो प्रोसेस रहता है, और उसके बाद सीधा आप अपने जेट में। तो
तो इस वक्त हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, 40,000 फीट तक जाएगी, लेकिन अभी उड़ान भरी है तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, कॉकपिट है। वैसे तो पैसेंजर प्लेन में कभी ऐसे दर्शन हुए नहीं है कि कॉकपिट देख सकूं, अभी देख सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं सोचा अभी जस्ट टेक ऑफ हुआ है तो थोड़ा पायलट को भी टाइम दे देता हूं, जो चला रहे प्लेन अभी नहीं घुस जाता हूं अंदर कॉकपिट में। तो उससे पहले दूसरी चीज़ बता देता हूं, जैसे कि ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, सीट्स वगैरह वो तो ठीक है, चलो प्राइवेट जेट है तो इतना तो बनता ही है, और ये देखो सोफ़ा वगैरह सब कुछ है, अरे बहुत चिल मार सकते हैं एकदम आप, मतलब क्या ही बताओ। वॉशरूम बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ है सच में। ये लेदर सीट है, मज़ा आ जाता है, इधर भी आप बैठ सकते हो, और काफ़ी ये देखो ना आप लग्जरियस लुक आ रहा है। और ये वॉशरूम जो है ना, यहाँ पे इतना वॉइस है ना, इतना साउंड है ना, बिकॉज इंजिन्स जो है पैसेंजर प्लेन में साइड में होती है विंग्स पे, और इस पे पीछे ही है, तो पीछे की तरफ जो ये वॉशरूम है काफ़ी ज़्यादा शोर है। और ठीक वॉशरूम के बाद ये रहा लगेज कंपार्टमेंट, जो आप चेक इन बैगेज करते हो नॉर्मल फ्लाइट्स में, तो आप ऑफकोर्स उसके बाद वो चेक इन लगेज में आप जा ही नहीं सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, डायरेक्ट आप जब डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तभी। लेकिन ये प्राइवेट जेट है बॉस, आप ही की प्लेन है, आप सब चीज़ें कर सकते हो, अंदर जा सकते हो रूम के अंदर, और अपना सामान वगैरह जो भी चाहिए ले सकते हो कभी भी एनी टाइम। और फिलहाल तो अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ बिकॉज कोई सामान है ही नहीं, एक दिन की ट्रिप है, 8 दिसंबर यानी आज सुबह जा रहा हूँ, और रात की वापसी फ्लाइट है मुंबई के लिए। अभी ऐसा फील आ रहा है कि एकदम थोड़ा है ना बच्चा बन जाऊँ, थोड़ा ऐसे एकदम फुल, मतलब के लिए क्या रहता है जब पता है 5-star 4-star वगैरह हम जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत बैड बैड में कूद जाते हैं, तो ये तो भाई प्राइवेट जेट है। Yeah, how you can get it back? Yeah, 'cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through. तो यह आ गया है ब्रेकफास्ट फॉर द डे, और पूरा साउथ इंडियन कंसेप्ट है। तपिश भाई ये बेसिकली आता कहाँ से, मतलब कौन से होटल से आता है? अच्छा, फ्लाइट केटरिंग कंपनीज या फिर कोई होटल? होटल्स भी मंगाते हैं, डिपेंड करता है, मोस्टली वो फ्लाइट केटरिंग से मंगाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे डिलीवर कर देता है। अच्छा, खुद को जाके लेके आना पड़ता है। अच्छा, फिर खुद डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। हां, डिपेंड ऑन क्लाइंट, कोई भी आप अपना कोई भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से खाना अरेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब जैसे क्लाइंट डिमांड करे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये साउथ इंडियन चाहिए, तो वैसा, तो वह आप होटल से सब कोऑर्डिनेट करके वही आता है। सही है। ये रहा कोलकाता, हमारी प्लेन यहाँ पे है, बज रहे हैं 9:50, और ये रहा कहाँ है अराइवल टाइम 10:51, मतलब तकरीबन एक घंटा और बाकी है। चलो कॉकपिट बताता हूँ। तो गाइज ये रहा कॉकपिट, और पहली बार दर्शन हो रहे हैं कि हम आसमान की ऊंचाई में हैं और मैं कॉकपिट के दर्शन दे पा रहा हूँ और खुद भी कर पा रहा हूँ दो पायलट से, और वहाँ पे लिखा भी है लीगसी 650 है, तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो तपिश भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके वजह से मैं ये प्राइवेट जेट का एक्सपीरियंस ले पा रहा हूँ और फ्लाई कर रहा हूँ। तो आप मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये प्राइवेट जेट का ये फंडा क्या है, स्पेशली इंडिया में? सो प्राइवेट जेट मोस्टली इंडिया में इट इज़ ओन्ड बाई कॉरपोरेट पीपल, सो देयर लॉट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज जिनको काफ़ी ट्रैवल करना होता है, और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करना होता है जहाँ पर कमर्शियल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, प्लस टाइम का बेनिफिट मिल जाता है वो, क्योंकि ये लोग सब टाइम बाउंड लोग हैं, उनको टाइम की बहुत महत्व है, तो क्या उनका टाइम ही उनके लिए मनी है, सो देन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और वो फिर साल में लगभग 200-300 घंटा हवा में ही रहते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट जेट सफाइस करता है। बाकी अगर आपको कभी शॉर्ट ट्रिप करना है या कभी और डे पे आप महीने का 10 घंटा उड़ते हैं 5 घंटा उड़ते हैं, तो आपको बेटर है कि आप चार्टर कीजिए, और यू कैन कॉन्टैक्ट आर कंपनी एंथ्रॉल एविएशन, यू कैन गो टू वेबसाइट एंड यू नो कनेक्ट टू माई टीम, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका लिंक दे ही रहा हूँ, तो आप वो चार्टर करके आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप इंडिया है, हमारा तो एक्चुअली ऑफिस कनाडा में है, इंडिया में है, वी आर वर्ल्ड वाइड लोकेटेड, सो वी गिव यू वर्ल्ड वाइड सर्विसेज, और सो वी वर्क विद लॉट ऑफ HNI सेलिब्रिटीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने तो काफ़ी चार्टर किया है, हम मार्केट में लगभग 10 साल से हैं,
तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो प्रतीक बता रहा है, दिस इज लेगेसी 650, 13 सीटर के एयरक्राफ्ट है। तो आप इसमें इंटरनेशनल भी जा सकते हैं काफ़ी, यूरोप आप डायरेक्ट कर सकते हैं बॉम्बे से। सो इट इज़ वेरी गुड एयरक्राफ्ट एक्चुअली। सही है, मतलब मेन ये जहाँ तक समझ में आता है। और ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि अगर जिसके लिए टाइम इज़ मनी है उसके लिए तो इससे बेटर ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। बिकॉज कैसा रहता है ना कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स है जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स तो भूल ही जाओ, चाहे वो मुंबई से क्यों ना हो, मुंबई जैसे शहर से क्यों ना हो, तो फिर प्राइवेट जेट ही ऑप्शन रहता है। और वैसे प्राइसिंग की बात करें तो मतलब कैसा रहता है ये सब? तो प्राइसिंग मोस्टली वर्ल्ड वाइड सब आर्ली बेसिस पर चलता है, हर एक एयरक्राफ्ट की अलग अलग रेट है, हर एक कंपनी के एक्चुअली अलग अलग रेट है। तो जो पर आवर रेट पे काम करते हैं हम लोग, तो जो अभी ये लेगेसी 650 पकड़ लो तो ये लगभग 3.5 से 4 लाख रुपये पर घंटे के रेट पर है। अब इसमें आप 13 लोग को लेके जा सकते हैं एक साथ, इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं। तो इट इज़ परफेक्ट एयरक्राफ्ट, यू नो, कहीं पे भी एक बड़ी फैमिली हो गई, आपका कोई कंपनी बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये परफेक्ट एयरक्राफ्ट हो गई इसके लिए। मतलब एक तरफा अगर मैं 13 सीटर की ये फ्लाइट की बात करूँ, अगर तो मुंबई टू कोलकाता जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपये चार्ज हो जाता है। हाँ, लगभग उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, क्योंकि बॉम्बे कोलकाता लगभग 2.5 घंटा हो गया, वापस रिटर्न 2.5 घंटा हो गया। हाँ, वापसी के हिसाब से सही बात है। तो उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं आपको। बाकी कभी कभी काफ़ी हमारे पास डिस्काउंटेड ऑफर्स भी रहते हैं, हमने काफ़ी बार चार्टर्स 2-3 लाख, 5 लाख में भी हम दे देते हैं, बड़ी बड़ी प्लेनें भी दे देते हैं। हम डायरेक्ट लंदन भी ट्रिप करते हैं, US ट्रिप करते हैं, अफ्रीका करते हैं, काफ़ी करते हैं हम। सही है, सही है। और मेरे को ये भी बताओ कि इंडिया में टोटल कितनी है प्राइवेट जेट्स? ऐसे देखा जाए तो लगभग 50 से 60 एयरक्राफ्ट है इंडिया में। काफ़ी प्राइवेट ओनर्स भी हैं जो चार्टर्स पे नहीं देते हैं, काफ़ी जैसे मुकेश अंबानी हो गए, ऐसे काफ़ी लोग हैं तो जो चार्टर्स पे देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। अच्छा, बाकी ऐसे चार्टर कंपनी स्पेसिफिकली देखा जाए तो गिन के 10 कंपनी होंगी या उससे भी कम होगी। बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है जो स्पेसिफिकली खाली चार्टर के लिए एयरक्राफ्ट आती है। तो आज की तारीख में ये कैसे, ये प्राइवेट जेट कैसे हेल्प करती है और मतलब कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी? तो ऐसे देखा जाए तो हमारा बिजनेस भी काफ़ी डाउन था लॉकडाउन के टाइम पे, पर पोस्ट लॉकडाउन थोड़ा सा पिकअप हुआ है। एक रीज़न ये है कि एक सेफ्टी के हिसाब से तो आप अब जब दूसरे एयरक्राफ्ट में जाते हो, क्या बोलते हैं, पैसेंजर एयरलाइन में जाते हो, तो आप काफ़ी लोगों से टच में आ जाते हो, कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। जब आप प्राइवेट जेट में जाते हो एकदम लिमिटेड कॉन्टैक्ट होता है, और जब आप एयरक्राफ्ट की कैबिन में तो आप ही हो, ऐसी बात है, आपके लोग हैं, आपके पहचान के लोग हैं, तो उतना टेंशन नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि हम तो बिना मास्क के बैठे हैं, तो आप मास्क फ्री ट्रैवल कर सकते हो। मतलब जैसे ही हम एंटर भी कर रहे थे तो उसके पहले ही सारा चीज़ें, यू नो, उससे पहले ही पूरा सैनिटाइजेशन प्रॉपरली हो रहा था। तो मतलब काफ़ी केयर होता है प्राइवेट जेट की बात करें तो। हाँ, तो ये हमारा एयरक्राफ्ट हैरी डिपार्चर से पहले सैनिटाइज होता है हर पैसेंजर के लिए, इतना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो हम डेफिनेटली ध्यान देते हैं। ये गेटअप अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये तो ऐसे ही पहन लिया कोट, ऐसा मत समझना इंटरव्यू के लिए पहन लिया। थोड़ा ठंड भी लग रहा था, एसी बहुत कड़क है, मस्त है। और मैंने सोचा फोटोशूट वगैरह करवा लेता, थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींचे थंबनेल के लिए भी और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए भी फ़ोटो वगैरह खींचे, इसलिए मैंने ये पहन लिया। लैंडिंग इन 35 मिनट्स। Okay, so the cost of the project which we are making, I think I will charge at least 150 crore. Sir, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Can you make it around 135? No, 135 crore is too less. Yeah, we can close it at around 142 crore, and that's final offer. Sir, 135 is good, sir. No, I'm ready to close the right now. 142 crore. Let's shake hands. 142 crore. Let's do it 140. Okay, 140 done. बस लैंडिंग को सिर्फ 7 मिनट बचे, 10:40 लोकल टाइम है, अराइवल टाइम 10:47। विद ड्यू परमिशंस ऑफ द पायलट्स ऑफ आर एयरक्राफ्ट, मैं अंदर हूँ कॉकपिट के, और इन्होंने कहा कुछ टच मत करना, बाकी आप देख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कुछ टच नहीं करूँगा,
सब एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। फाइनली लैंडेड इन कोलकाता और काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आया। 2 घंटा 20 मिनट लगा फ्लाइट को एग्जैक्टली और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे होटल, हॉलीडे इन में बुकिंग है, वहाँ रुकेंगे। रात की वापसी फ्लाइट है मुंबई के लिए, तो एक दिन का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ कह सकते हो। एक्सपीरियंस लेना था प्राइवेट जेट का, मज़ा आ गया। तो बस प्यारी सी एयरक्राफ्ट की जर्नी से लैंड हुए कोलकाता, सीधा आ गए हॉलीडे इन, जो कि यही होटल है, पास है, 3.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है कलकत्ता एयरपोर्ट से। और बस फिर अभी रेस्ट किया, लंच किया था थोड़ा, यू नो, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि अगर कोई है आसपास कलकत्ता में तो मिल सकता है, तो लोग मिले, लोग नहीं, एक बंदा मिला और यू नो काफ़ी बातें हुई, अच्छा लगा मिलके। और अभी बस थोड़ा शाम का माहौल है, 5:30 बज गए, 5:30 भी नहीं है इनफैक्ट, 5 ही बजे, लेकिन काफ़ी वैसा लग रहा है ना एकदम। तो बस ये सीन है कि आप देख सकते हो, और थोड़ा क्राउड है भी नहीं, इसका कारण ये कि 8 दिसंबर है आज, जैसे कि आपको पता है भारत बंद का सीन है, जब भी आप वीडियो देखोगे तो आपको शायद ध्यान में रहेगा कि 8 दिसंबर को भारत बंद का सीन था। तो बस वही सीन है, अभी बस नीचे उतरे और थोड़ा देख रहे कि क्या है आजू बाजू, बाकी मेरे को कोई मूड ही नहीं था कलकत्ता घूमने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 2017 में जब आया था तो मैं घूम चुका हूँ, 2-3 फोटो याद दिखेंगे, बस उतना ही था। तो और वो भी एक दिन के लिए था ना, अगर 2-3 दिन के लिए होता तो जाहिर सी बात है घूमता, कुछ आपसे सजेशन लेता, प्लान्स व्लान्स, लेकिन अभी ऐसा ही है कि एक दिन के लिए ही था। वापस अभी कितना, 7 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 की फ़्लाइट है वापस मुंबई के लिए, है ना। तो बस वही बात है। तो विद दैट सेड, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया रहेगा, यूँ ही बने रहिए ताकि एक से एक मुझे भी सरप्राइजेज मिलते रहे, मैं आपके साथ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँ।